नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कपिल वशिष्ठ। तो ये बड़ा मौका एक बार फिर से आ गया है, ये बड़ा मुकाबला फिर से आ गया है और ये बड़ी तैयारी भी इसलिए फिर से आ गई है। जी न्यूज ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट आपके लिए दुबई से लेकर आया है सीधे लाइव, क्योंकि सुपर संडे क्रिकेट का एक बार फिर से आ गया है और 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक बार फिर से पाकिस्तान को हारते हुए देखना चाहते हैं। रोहित शर्मा की टीम तैयार है, पाकिस्तान भी तैयार है पलटवार के लिए, लेकिन टीम इंडिया ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान को पलटवार का मौका कोई देना नहीं है और इस एक और मुकाबले को जीतकर पाकिस्तान को एक और बड़ी पटखनी देनी है। तो क्या होगी रोहित शर्मा की 11, इस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। निगाहें इसलिए क्योंकि रविंद्र जडेजा हो गए हैं एशिया कप से बाहर, तो उनकी जगह भारतीय 11 में कौन शामिल होगा, कौन बाहर होगा, कैसा टीम का संतुलन होगा, क्या बैलेंस होगा, इस पर पूरे देश की टकटकी लगी हुई है। लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब ऐसा लग रहा है कि उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो जो हीट है पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा हो जा रही है और इसीलिए पाकिस्तान अब कह रहा है कि सब कुछ अल्लाह के भरोसे है। तारीख 28 अगस्त 2022, जगह दुबई, नतीजा पाकिस्तान की हार और भारत की जीत। पिछले रविवार को जो हुआ वो पाकिस्तान के फैंस भुलाए नहीं भूल पा रहे। हार की कड़वाहट फैंस समेत पूरी पाकिस्तानी टीम में। टीम इंडिया ने मैच 5 विकेट से जीता और 10 महीने पहले मिली हार का बदला पूरा किया। टीम इंडिया की जीत पर पूरे देश में जश्न मना, तो पाकिस्तान की तरफ से खून के आंसू निकलने लगे। बहुत इशू ज्यादा हो गए हैं, बस और ये क्या होने जा रहा है, और ये 6 रन से इंडिया ये मैच जीत गया है। दिल के अरमा आंसू में बह गए। एक बार फिर ये मौका लौटा है, इस बार भी रविवार है और ये रविवार भी जीत का ही बार होगा और अब की बार पाकिस्तान टीम को मैच से पहले अल्लाह याद आने लगे। टीम के खिलाड़ी एक ही टूर्नामेंट में दूसरी बार हार से बचने के लिए अब अल्लाह का नाम ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबके सामने है कि हम इस टाइम हमारी टीम में जो प्लेयर से पहले भी था, मगर इस टाइम सबके सामने नजर आ रहा है कि लड़के जान भी लगा रहे हैं, एफर्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत भी है, तो ये चीज हमारी कौम की हमसे डिमांड है, वो कर रहे हैं। बाकी रिजल्ट हमारी कौम को भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि रिजल्ट तो अल्लाह जल्ल जलालहू के हाथ में। इतना ही नहीं, खुद पाकिस्तानी खिलाड़ी ये मान रहे हैं कि अब की बार उनके फैंस एक और हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो क्रिकेट होता रहता है, हमारे आपस में प्लेयरों में ही बात होती है कि यार ये मैच आएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है कि फाइनल में अगर आएंगे तो ये तो आपस में बात होती रहती है, मगर ऑब्वियसली क्रिकेट तगड़ी करनी है, हमने मेहनत हमने पूरा करनी है, हमारी कौम की हमसे डिमांड है। अब मुकाबला सुपर 4 स्टेज में है, यानी वो स्टेज जहां टीमें फाइनल में पहुंचने की लड़ाई लड़ेंगी। इस एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच दूसरी बार होने जा रहा है। पहले मैच में भारत ने 5 विकेट से पाकिस्तान को हराया। इसके अलावा भारत के सुपर 4 में 2 और मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम तैयार है, लेकिन मैच से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका रविंद्र जडेजा के बाहर होने के बाद लगा है। जडेजा घुटने में चोट की वजह से एशिया कप से बाहर हो गए हैं। ऐसे में प्लेइंग 11 में उनकी जगह कौन लेता है, इस पर सवाल बरकरार है। देखिए, जडेजा को चोट लगी है, पर मेरे ख्याल से अक्षर पटेल भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बल्लेबाजी भी कर रहे हैं आजकल, तो बिल्कुल हूबहू एक रिप्लेसमेंट है जो काम जडेजा करते हैं, अक्षर पटेल भी करना जानते हैं, इवन बेहतर गेंदबाज बन चुके हैं आजकल, तो बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं अक्षर पटेल, पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट मारते हैं, और मुझे लगता है कि मैच खेलेंगे भी अगेंस्ट पाकिस्तान जो कल का मैच है उसमें। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो पिछले रविवार की हार अब भी सरहद पार लोगों के दिल में चुभ रही है। भले ही टीम पाकिस्तान ने हांगकांग पर बड़ी जीत दर्ज की हो, लेकिन पिछली हार के जख्म अब भी ताजा है। दुबई में हुए मुकाबले में लीग मैचों में भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप में लगातार 4थी बार हराया था। इससे पहले 2016 में एक बार और 2018 एशिया कप में टीम इंडिया ने लगातार 2 मैचों में पाकिस्तान को मात दी थी। अगर सुपर 4 का ये मुकाबला भी टीम इंडिया जीत जाती है तो ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत की
एशिया कप में लगातार पांचवी जीत होगी। दो एक दिग्गज टीमें हैं और ज्यादातर एक दबाव वाला मैच होता है, फैंस एक्सपेक्टेशन काफी हाई होती है। पिछला मैच देखा अगर इंडिया पाकिस्तान का, लास्ट ओवर में 3 बॉल पे 6 रन चाहिए था और हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा तो यहां तक गेम गया था। मुझे लगता है कि कल के मैच में भी लास्ट ओवर फिनिश देखने को मिल सकता आपको, क्योंकि दो बेहतरीन टीमें आमने सामने होंगी और मुझे लगता है कि भारतीय टीम का पड़ना थोड़ा सा भारी लग रहा है, क्योंकि जो उनके टॉप थ्री तो हैवी है ही, केएल राहुल अच्छे बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा अच्छे बल्लेबाज हैं, विराट कोहली का फॉर्म आ गया, अच्छे लगातार शॉट लगा रहे हैं, पर जो उसके बाद जो खिलाड़ी आने वाले हैं, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेम चेंजिंग पारी खेलना जानते हैं, गेम को फिनिश करना जानते हैं। दबाव पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर भी होगा। भारत के खिलाफ मैच में कप्तान बाबर के फैसले टीम पर भारी पड़े थे, तो वहीं उनका बल्ला भी फेल नजर आया था। बाबर के दो मैच में अभी तक सिर्फ 19 रन है, न भारत और न ही हांगकांग, दोनों ही मुकाबलों में वो ज्यादा रन नहीं बना पाए। पाकिस्तान को बैटिंग ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा। बाबर 5 से लेके 15 तक जाए मैच को लेके, फिर आसिफ अली आए बीच में, तब आपकी कॉम्बिनेशन खड़ा होता है, फिर खुशदिल शाह है आपके पास, फिर आपके पास नवाज है। दूसरी बात यह कि देखिए पाकिस्तान आई थिंक स्टिल हैव अ ग्रेट चांस और इंडिया को फंसा सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा हुआ था, पाकिस्तान पहले दफा हारा था, फिर दूसरा मैच जीता और फिर फाइनल में इंडिया को फेंटा लगाया। वो फेंटा लग जाना आपको, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को स्ट्रेटजी और कैप्टनसी अपनी ठीक करनी पड़ेगी। वहीं पिछले मैच में मिली जीत के बाद टीम इंडिया का जोश हाई है। टीम के खिलाड़ी जीत के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हार्दिक पांड्या और विराट कोहली मैच से पहले खास प्रैक्टिस करते भी नजर आए। एक बार फिर बारी पाकिस्तान को हराने की है, एक बार फिर बारी जश्न मनाने की है। फैंस भी तैयार हैं और टीम इंडिया भी, कि इस बार भी रविवार की रात पिछले ही हफ्ते की तरह जश्न की रात है। वैसे टीम इंडिया के लिए शुभ संकेत ये हैं कि सूर्य कुमार यादव कमाल की फॉर्म में हैं और विराट कोहली वापस अपने विराट अंदाज में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। करोड़ों फैंस को एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जीत की उम्मीद है। कैमरामैन एस के चंद्रशेखर के साथ दुबई से जी न्यूज के लिए मैं कपिल वशिष्ठ। तो भारत के खिलाफ इस बड़े मुकाबले से पहले पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। शाहनवाज धानी, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज, इस मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे, वो बाहर हो गए हैं भारत के खिलाफ होने वाले इस बड़े मुकाबले से पहले। साइड स्ट्रेन उनको आया हांगकांग के खिलाफ खेलते हुए। शाहनवाज धानी, पाकिस्तान का एक और तेज गेंदबाज, मुकाबले से बाहर हो गया है और ये पाकिस्तान के टीम मैनेजमेंट और उनके फिजियो पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, क्योंकि पहले शाहीन शाह अफरीदी, उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर और अब शाहनवाज धानी भी बाहर हो गए। आपको याद होगा भारत के खिलाफ 19वां ओवर शाहनवाज धानी ने ही डाला था और काफ़ी महंगे वो साबित हुए थे। तो भारत के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले पर जी न्यूज़ के क्रिकेट एक्सपर्ट शोएब अख्तर क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। मेरे हिसाब से बाबर आजम को वन डाउन आना चाहिए, फखर को पहला दायरा देना चाहिए। ये पाकिस्तान सबसे बड़ी गलती कर रहा है और एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप टॉप जो 6 के बैट्समैन है वहां पे शादाब या किसी और को ट्राई मत करें, बट यू नो अगेन पाकिस्तान सेंडिंग इफ्तिखार अहमद एट नंबर 4, आई डोंट थिंक इट्स द राइट पोजिशन फॉर हिम। ये पाकिस्तान गलती कर रहा है। पाकिस्तान कैन मेक अ चेंज एट नंबर 4 जहां पे इफ्तिखार जा को ये किसी और को खिलाया जा सकता है, बट इट्स सजेशन है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग दैट पाकिस्तान हैज अ वेरी 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 क्रूशियल मैच टू विन अगेंस्ट इंडिया बिकॉज। तो मुकाबला जब बड़ा होता है तो बड़े खिलाड़ियों की चर्चा तो होती है और इसीलिए विराट कोहली पर एक बार फिर से सभी का फोकस आ गया है कि विराट कोहली क्या करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ 35, हांगकांग के खिलाफ 59 नॉट आउट और एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला आ गया है। कोहली कोहली की गूंज हमने पिछले मुकाबले में पूरे स्टेडियम से सुनी थी और विराट कोहली उस जोश में दिखाई भी दिए थे। हालांकि थोड़े से स्क्रैची जरूर दिखाई दिए थे विराट कोहली, लेकिन इस बार क्या एक बड़ा टर्न अराउंड होने जा रहा है विराट कोहली के लिए। और जिस तरह से फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान, जिस तरह से अभ्यास सत्र के दौरान विराट ने एक नए अंदाज में प्रैक्टिस सेशन को किया, वो क्या संकेत दे रहा है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विराट पारी, विराट के अच्छे दिन लौट आए, ब्रेक के बाद लौटे विराट का नया रूप, विराट कोहली
यानी वो खिलाड़ी जिसके नाम से पाकिस्तानी खौफ ज़दा हो जाते हैं। मेरी खुद विश है कि वो उसकी सेंचुरी होता कि वो स्टार्ट करे, हमारे खिलाफ नहीं इस टूर्नामेंट किसी और के। वो खिलाड़ी जिसे पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी पारियां खेलने की आदत है। अगर अगर मेरा दिल धक धक करेगा इस मैच के ऊपर तो डेफिनेटली विराट कोहली होंगे, और रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे डरा रही है। वो खिलाड़ी जिसके विरोधी भी फैन हैं। विराट कोहली जिंदाबाद। विराट कोहली की जहां तक बात है भाई, सीधी बात है, मेरा फेवरेट कल भी विराट था, आज भी विराट है और कल भी रहेगा। विराट कोहली फॉर्म में वापस आ चुके हैं और आपको पता है कि जब उनका बल्ला चलता है ना तो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देता है। वो विराट अब ब्रेक के बाद पुराने विराट नजर आ रहे हैं, वही फोकस, वही जोश, वही जज्बा फिर लौट आया है और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। पाकिस्तान मैच से पहले विराट ने एक खास मास्क पहन ट्रेनिंग की। विराट ने जो मास्क पहना था उसे हाई एल्टीट्यूड मास्क कहा जाता है। विराट ने जो मास्क पहना था इसका इस्तेमाल सांस लेने की मांसपेशियों और फेफड़ों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यही नहीं, इससे स्टेमिना में भी बढ़ोतरी होती है। यानी विराट ने अपनी फिटनेस और बेहतर करने के लिए इस मास्क को पहनकर ट्रेनिंग की। विराट ने ये मास्क तब पहना था जब वो मैदान का चक्कर लगा रहे थे, हालांकि दौड़ पूरी करने के बाद उन्होंने ये मास्क हटा दिया। भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो, बड़ा मुकाबला हो, तो बड़े खिलाड़ियों पर नजर रहती ही है। विराट कोहली पर एक बार फिर से नजरें होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ 35, हांगकांग के खिलाफ 59 नॉट आउट, और अब एक और बड़ा मुकाबला। विराट कोहली क्या करेंगे, क्या पहले वाले विराट दिखाई देंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन विराट कोहली प्रैक्टिस में कुछ अलग करते हुए दिखाई दिए। हाई ऑल्टीट्यूड मास्क के साथ विराट कोहली ने प्रैक्टिस की। सब जानते हैं कि फिटनेस के मामले में विराट कोहली की तारीफ हर जगह होती है। विराट खुद भी अपना फिटनेस लेवल मेंटेन रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ब्रेक के दौरान भी विराट ने अपनी फिटनेस पर बड़ा काम किया और अब इसका असर उनके मैदान के प्रदर्शन पर देखा जा सकता है। विराट कोहली ने अब तक खेले 2 मुकाबलों में 94 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक भी शामिल है। इस एशिया कप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली ही हैं। विराट कोहली ने हांगकांग के खिलाफ करीब 6 महीने बाद T20 में अपना अर्धशतक भी लगाया था। एक और खिलाड़ी जिसके नाम से पाकिस्तान में खौफ है वो है हार्दिक पांड्या। जिस पांड्या को लेकर पहले पाकिस्तानी एक्सपर्ट खतरा महसूस नहीं करते थे, वही अब पांड्या की तारीफ करते नहीं थक रहे। तो यहाँ पे जो गेम चेंज किया ना, वो पांड्या ने जो उसने पूरा गेम का मोमेंटम ही चेंज करके रख दिया। जो ऑलराउंडर है ना इंडिया का, पांड्या, मुझे बहुत आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सी। आई लव हिज एटीट्यूड, जिस तरीके से वो क्रिकेट को लेता है, स्पेशली उस मैच में भी जिसमें हम जीत गए थे। वो अकेला लेके चला है, और अगर मुझे डर था अगर वो रुक जाता तो बड़ा एक डिफरेंट स्कोर हो सकता। यही नहीं, विराट रोहित के विकेट गिरते ही सेलिब्रेट करने वाले पाकिस्तानी फैन भी अब पांड्या से परेशान हैं। हम समझ रहे थे कि हम मैच जीत गए हैं, लेकिन ये पांड्या पता नहीं किधर से निकल आया, और मुझे तो अब पता चला कि ये इतना खतरनाक प्लेयर है। टीम की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली कम थे क्या, ये हार्दिक पांड्या भी आ गया, जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है, उम्मीद नहीं थी इससे कि इस तरह की परफॉर्मेंस है। जी हार्दिक पांड्या, क्योंकि उसके भी एक टाइम ऐसा था कि मतलब वो थोड़ा सा स्लो किया गया था उसको, लेकिन वो उसका थोड़ा सा हो गया था। अब अगले मैच में इसको पकड़ना होगा, इसको आउट करेंगे तो हम मैच इंशाल्लाह जीत जाएंगे। हार्दिक पांड्या ने पिछले मुकाबले में 3 विकेट लेने के साथ साथ 33 रनों की नॉट आउट पारी भी खेली थी। पांड्या आगे के लिए भी तैयार हैं और अकेले ही प्रैक्टिस करने भी पहुंचे थे, यानी एक बार फिर तैयारी हार्दिक और विराट जीत की है।